Welcome to Rising Suns Academy. कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज है 5 मई 2021 और हम देखेंगे 5 मई का करंट अफेयर। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे जितने भी करंट अफेयर से बनते हैं, साथ ही साथ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे सारे कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 मई, ऑप्शन बी है 2 मई, ऑप्शन सी है 3 मई और ऑप्शन डी है 4 मई। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 मई। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे 4 मई को मनाया जाता है और यह दिवस हर साल 4 मई को मनाते हैं। इस दिन अग्निशामकों के बलिदानों को चिन्हित करने और उन्हें सम्मानित करने के लिए ये दिवस मनाते हैं। इनके बलिदान और बहादुरी के कारण ही लोग और पर्यावरण सुरक्षित होता है। जानते हैं ना सभी, अग्निशामक जो भी होते हैं, जो फायर फाइटर्स होते हैं, अपनी जान पर खेलकर, अपनी जान की बलिदानी देकर कई बार रक्षा करते हैं पर्यावरण की और लोगों की आग से। तो आपदा में फायर फाइटर्स के बलिदान के रूप में अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाते हैं? 4 मई को। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट भी दिवस से संबंधित है। प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 2 मई, ऑप्शन सी 3 मई और ऑप्शन डी है 4 मई। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 मई। 3 मई को मनाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। अच्छा, इसको विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भी कहते हैं, सॉरी दिवस भी कहते हैं, और विश्व प्रेस दिवस भी कहते हैं, वर्ल्ड प्रेस डे भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों ही नाम इसके सही हैं और ये मनाया जाता है कब? 3 मई को। अच्छा, इसकी जो इस वर्ष की थीम है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 2021 की थीम। सभी बच्चे नोट कर लें, क्या थीम है? इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। क्या है? इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। तो ये इस वर्ष की थीम हो जाएगी, इसको नोट कर लीजिए, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। वर्ष 2021 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की ये थीम हो जाएगी। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना है, नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है 16 नवंबर को। कब मनाते हैं? 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे। नेशनल जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस होता है वो 16 नवंबर को होता है। इसके अलावा नेशनल न्यूज़पेपर डे भी मनाते हैं। कब मनाते हैं? 29 जनवरी को। नेशनल न्यूज़पेपर डे 29 जनवरी को मनाया जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस है वो मनाते हैं 16 नवंबर को, जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है या फिर विश्व प्रेस दिवस है वो मनाते हैं 3 मई को। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर था। इस वर्ष की थीम याद रखते हैं, क्या थी? इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। अच्छा, आप संविधान पढ़ते हैं तो हमारे संविधान का जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 है, वो भी प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगर आपसे पूछ ले कि कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम, मतलब बोलने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में दी गई है, प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में दी गई है, तो आर्टिकल 19 में दी गई है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसका जो इंडेक्स आता है वो भी हमने पढ़ा था ना, तो उसमें इंडिया की रैंक थी कितनी? 142 रैंक थी। भारत की जो रैंक थी 142 थी, और फर्स्ट रैंक पर था नॉर्वे। कौन था? नॉर्वे। तो पहले स्थान पर नॉर्वे था, भारत का स्थान था 142वां वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो इंडेक्स है वो निकालती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स।
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो संस्था है वो निकालती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021, तो ये भी आपको याद रखना है। और इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन सी 3 मई। अच्छा, बात हो रही है दिवस की, तो अभी तक के सारे दिवस रिवाइज कर लेते हैं। आज कितना है? 5 मई। तो 5 मई के पहले हमें जितने भी दिवस मनाए हैं उन सबको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 2 मई को कौन कौन से दिवस मनाते हैं? अभी हमने मनाया इस वर्ष विश्व हास्य दिवस, ये 2 मई को मनाया गया, लेकिन ये 2 मई को नहीं मनाया जाता, ये मनाया जाता है मई महीने के पहले रविवार को। मई मंथ का जो फर्स्ट संडे होता है उस दिन मनाते हैं विश्व हास्य दिवस। और इस वर्ष का जो फर्स्ट संडे पड़ा था वो पड़ा था 2 मई को, तो हमने 2 मई को मनाया था विश्व हास्य दिवस। इसके अलावा 2 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस और 2 मई को ही मनाते हैं वर्ल्ड ट्यूना डे। ट्यूना क्या है? एक प्रकार की मछली है, इसी के लिए मनाते हैं वर्ल्ड ट्यूना डे। इसके बाद 3 मई, 3 मई को क्या मनाया? प्रेस स्वतंत्रता दिवस या फिर वर्ल्ड प्रेस डे, ठीक है। और 3 मई को मनाते हैं राष्ट्रीय कपड़ा या फिर वस्त्र दिवस। जो नेशनल टेक्सटाइल डे है वो भी 3 मई को मनाया जाता है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा 4 मई को, 4 मई को क्या पढ़ा हमने? 4 मई को हमने पढ़ा वर्ल्ड या फिर इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, अग्निशमक दिवस, ठीक है। इसके अलावा 4 मई को और भी 2 दिवस मनाते हैं, कौन कौन से? एक हो जाएगा कोल माइनर्स डे, कोयला खदान दिवस, और एक हो जाएगा वर्ल्ड अस्थमा डे। वर्ल्ड अस्थमा डे 4 मई को नहीं मनाते हैं, वर्ल्ड अस्थमा डे मनाते हैं मई महीने के पहले ट्यूसडे को। मई महीने का जो पहला मंगलवार होता है उसमें मनाते हैं वर्ल्ड अस्थमा डे। और इस वर्ष पड़ा 4 मई को, तो हमने 4 मई को मनाया वर्ल्ड अस्थमा डे, और 4 मई को मनाते हैं कोयला खदान दिवस, और 4 मई को मनाते हैं अग्निशामक दिवस, ठीक है। तो 3 दिवस हो गए 4 मई की, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय कपड़ा दिवस, और 2 मई को क्या क्या मनाते हैं? विश्व हास्य दिवस मनाया, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया और वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया, और 1 मई को क्या मनाया? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या फिर श्रमिक दिवस। अब 2 चीज़ें याद रखनी है माइंड में जो मैंने बता दी, नोट कर लो स्टार मार्क लगा के। क्या क्या? विश्व हास्य दिवस मनाते हैं मई महीने के पहले संडे को, पहला रविवार जो आता है, और इसके अलावा जो अस्थमा दिवस होता है, वर्ल्ड अस्थमा डे होता है, जो मई महीने के पहला ट्यूसडे होता है उस दिन मनाते हैं। तो ये दोनों पॉइंट एक्स्ट्रा मार्क लगा के नोट कर लो, इम्पॉर्टेंट डेज है, ठीक है। तो ये मई महीने के अभी तक के जो दिवस मनाए उनको हमने रिवाइज कर लिया। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए है सिडबी, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है आरबीआई और ऑप्शन डी है महिला आयोग। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिडबी। सिडबी के द्वारा योजनाओं की शुरुआत की गई है, ये ऋण योजना है, लोन से संबंधित है, स्वास्थ्य और आरोग्य। अच्छा, सिडबी, सिडबी क्या है? सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो भारतीय उद्योग लघु विकास बैंक के द्वारा स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजनाएं शुरू की गई हैं। क्यों की गई हैं? कि पूरा जो देश है वो एमएसएमईज हैं जो देश की, वो कोविड-19 पैंडेमिक के कारण बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हुई है, तो उन्हीं को उभारने के लिए, उन्हीं की हेल्प करने के लिए ये ऋण योजनाएं शुरू की गई हैं। अच्छा, अब इन योजनाओं में है क्या देख लेते हैं। जो स्वास्थ्य योजना है उसके तहत कोविड-19 की दूसरी लहर के खिलाफ युद्ध में हेल्थ केयर क्षेत्र को सिडबी सहायता प्रदान करेगा। और जो आरोग्य योजना है उसके तहत कोविड-19 महामारी के दौरान पुनर्प्राप्ति और ऑर्गेनिक विकास के लिए एमएसएमई को सिडबी सहायता देगा। तो पहली जो स्वास्थ्य योजना है उसमें हेल्थ केयर के लिए सहायता है, और जो आरोग्य योजना है उसमें ऑर्गेनिक विकास के लिए एमएसएमई की सहायता करेगा सिडबी। तो ये दोनों योजनाएं किसकी हैं? सिडबी की हैं। अच्छा, सिडबी की बात कर लेते हैं, फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता ही दिया है। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 में, 1990 में। इम्पॉर्टेंट डेट है, नोट कर लो, लिख लो। इसका मुख्यालय हो जाएगा लखनऊ में, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर है, वहाँ पर इसका मुख्यालय हो जाएगा। 2 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसके अभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं या फिर जो वर्तमान CMD हैं वो हैं एस रमन। कौन है? एस रमन। तो ये आप नोट कर लीजिए, इस प्रश्न से संबंधित इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? KC चक्रवर्ती, टी रविशंकर, उर्जित पटेल या फिर रघुराम राजन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टी रविशंकर। इमेज में देख सकते हैं आप, यह है टी रविशंकर, और ये भी भारत के
जो रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके नए यानी कि चौथे डिप्टी गवर्नर बने हैं। इनसे पहले तीन और बन मतलब तीन और हैं। कौन कौन से हैं? माइकल डी पात्रा हैं, मुकेश कुमार जैन हैं और राजेश्वर राव हैं। तो ये तीनों भी अभी डिप्टी गवर्नर हैं और चौथे बन गए हैं टी रविशंकर। इसके अलावा क्या याद रखना है आपको, टी रविशंकर किसके स्थान पर बने हैं? तो ये बीपी कानूनगो का स्थान लेंगे, जिनका कि अभी सेवानिवृत्त हो गए हैं, जो कि 2 अप्रैल को रिटायर हो चुके हैं। कौन? बीपी कानूनगो। तो उन्हीं का स्थान ये लेंगे और 3 वर्ष के लिए नियुक्त हुए हैं टी रविशंकर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीतकर अपने करियर की 97वीं जीत दर्ज की है? ऑप्शन ए है डेनियल रिकार्डो, ऑप्शन बी है सेबेस्टियन बीटल, ऑप्शन सी है लुइस हैमिल्टन और ऑप्शन डी है फर्नांडो अलोंसो। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुइस हैमिल्टन। इमेज में देख के आप समझ ही गए होंगे कि लुइस हैमिल्टन है और इन्होंने अपनी जीत की अपने करियर की 97वीं जीत हासिल की है। कहाँ पर? पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स को जीतकर। तो ये लुइस हैमिल्टन है और इन्हें अभी जीत हासिल हुई है। अच्छा, ये मर्सिडीज़ के लिए खेलते हैं, मर्सिडीज़ जो है कंपनी उसके लिए ये खेलते हैं और लुइस हैमिल्टन पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीत चुके हैं तथा ये फॉर्मूला 1 रेसर हैं, ब्रिटिश ड्राइवर हैं, ठीक है। और मर्सिडीज़ जो मैकलेरन मर्सिडीज़ टीम के लिए रेसिंग करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुइस हैमिल्टन। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक चिकित्सा सेवा के लिए भी लोगों को पास लेना अनिवार्य कर दिया गया है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन के मुताबिक चिकित्सा सेवा के लिए लोगों को पास लेना अनिवार्य कर दिया है। क्यों? उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है और इस लॉकडाउन के दौरान सख्त गाइडलाइन जारी रहेगी और जो कोई भी इसका उल्लंघन करेगा उस पर कार्यवाही की जाएगी। तो कोरोना के चलते ये किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, कृषि मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में अनाज उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है? ऑप्शन ए है 307 मिलियन टन, ऑप्शन बी है 305 मिलियन टन, ऑप्शन सी है 400 मिलियन टन और ऑप्शन डी है 502 मिलियन टन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 307 मिलियन टन। कृषि मंत्रालय के अनुसार 2021-22 में अनाज का उत्पादन का लक्ष्य 307 मिलियन टन, 307 मिलियन टन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट हो जाएगा, किस देश ने हाल ही में भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है रूस। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका भारत को P-8I ये विमान देगा, पेट्रोल विमान है ये और ये एक तरीके का गश्ती पोत है, गश्ती विमान है और इसका निर्माण किया है बोइंग कंपनी ने। अमेरिका की जो बोइंग कंपनी है उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है और ये भी भारत को देगा। भारत की जो नौसेना है वो इसका उपयोग करेगी। अमेरिका की नौसेना एक विमान का उपयोग करती है जिसका नाम है P-8A पोर्साइडॉन। ये एक विमान है जिसका यूज़ अमेरिका की नौसेना करती है, उसी का ये वेरिएंट है। कौन? P-8I उसी का वेरिएंट है। अच्छा, वेरिएंट जानते हैं क्या होता है? वेरिएंट बना होता है वेरी से और वेरी अर्थात कि इसी विमान में जो कि P-8A विमान का यूज़ अमेरिका की नौसेना करती है उसी में कुछ परिवर्तित करके यानी कि इसी मॉडल को कुछ चेंज करके ये वाला मॉडल बनाया गया है P-8I पेट्रोल विमान। तो इसी का ये वेरिएंट है, इसका यूज भारत की नौसेना करेगी P-8I और अमेरिका ये दे रहा है, अमेरिका ये देगा। अमेरिका की बोइंग कंपनी ने इसे बनाया है। अगर बनाया है बोइंग कंपनी ने तो बात कर लेते हैं बोइंग की। हाल ही में ये बहुत चर्चा में रही। क्यों रही? क्योंकि बोइंग कंपनी ने भारत को $10 मिलियन आपातकालीन सहायता देने की घोषणा की है। भारत कोरोना से जूझ रहा है तो भारत को बोइंग कंपनी देगी $10 मिलियन की आपातकालीन सहायता। बोइंग कंपनी की स्थापना हुई थी 1916 में। इसका मुख्यालय या फिर हेडक्वार्टर हो जाएगा शिकागो में, अमेरिका का जो शिकागो शहर है। इसके अध्यक्ष हैं लैरी किलबर्ग। अच्छा, क्या ये अमेरिका बस में है? नहीं, इसके कर्मचारी भारत में भी है, ये भारत में भी है और भारत में भी निर्माण कार्य करती है।
ये एक रक्षा उत्पाद निर्माता कंपनी है जो कि भारत में भी काम करती है। भारत में इसके 3,000 कर्मचारी काम करते हैं और भारत में ही इसने बनाया है P777 विमान बनाया है, जिसका उपयोग भारत के BVIPs करेंगे। जो भारत के BVIPs हैं वो B777 विमान का उपयोग करेंगे आने जाने के लिए, यानी कि एक देश से दूसरे देश की यात्रा के लिए अभी भारत के BVIPs एयर इंडिया के विमान का उपयोग करते हैं, अब करेंगे बोइंग कंपनी के द्वारा बनाया हुआ B777 का यूज़। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। इसके अलावा क्या याद रख सकते हैं, अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर, जो अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर हैं जो कि भारत ने अमेरिका से ख़रीदे हैं और ख़रीद भी रहा है, तो ये दोनों हेलीकॉप्टर भी बोइंग कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं, तो इनका नाम भी याद रखना है। ठीक है, तो इतनी जानकारी याद रखें। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, अमेरिका। बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, डॉक्टर जोगिंदर दयाल का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? ऑप्शन ए है राजनीति, ऑप्शन बी है फिल्म, ऑप्शन सी है समाजसेवी और ऑप्शन डी है शिक्षक। ये एक राजनीतिज्ञ थे, राजनेता थे, डॉक्टर जोगिंदर दयाल। हाल ही में इनका निधन हो गया, पंजाब राज्य से संबंधित थे। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, एशियाई खेल 1982 के किस स्वर्ण पदक विजेता का हाल ही में निधन हो गया? राहुल सचदेवा, अनिल त्यागी, सौली सोराबजी और गुलाम मोहम्मद खान। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुलाम मोहम्मद खान। ये घुड़सवार थे जिन्हें एशियाई खेल 1982 में स्वर्ण पदक मिला था, तो इनका हाल ही में भी निधन हो गया है, गुलाम मोहम्मद खान। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, ये था आज का करंट अफेयर, हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। आइए देखते हैं आज के लिए आपका प्रश्न। आज के लिए आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है नेपाल और ऑप्शन डी है जापान।